हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैरियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। तो यार धमाकेदार वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज की काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी की तरफ से काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में फिर से ऑनलाइन कैरियर सर्कल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट्स है जिसके बारे में आप सबको बताना है, और कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैंने वहाँ पर पोस्ट डाल दी है। जिन्होंने नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है वेबसाइट की, ऑफिशियल वेबसाइट की, उनको नोटिफाई कर दिया गया है। अभी तक आपने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो फटाफट जाके ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मैंने आज मल्टीपल ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में यहाँ पे अपडेट डाल दी, आपको डायरेक्ट लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विप्रो कंपनी हायरिंग कर रही है स्कूल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए, जिसमें इसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2023 होने वाली है। साथ में काफ़ी अच्छी सैलरी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। जितने भी स्टूडेंट 2021-22 और 23 बैच के स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें, डिप्लोमा बैच के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। लोकेशन की बात करें तो पैन इंडिया लोकेशंस के लिए कंपनी यहाँ पे हायरिंग करने वाली है। और विप्रो एक और ग्रेजुएट ट्रेनिंग WILP रोल के लिए हायरिंग कर रही है, और काफ़ी अच्छी लोकेशंस के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। साथ में अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम विप्रो कंपनी की तरफ से, BSc और BCA स्टूडेंट के लिए होने वाली है। फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट 2022 और 23 बैच के स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें, इसमें भी 30 जनवरी 2023 लास्ट डेट होने वाली है। और नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे BT ग्रुप इज हायरिंग फॉर द ट्रेनिंग एसोसिएट इंजीनियरिंग। लोकेशन की बात करें, कोलकाता लोकेशंस के लिए ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और यहाँ पे लोकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर, जितने स्टूडेंट फ्रेशर हैं वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। बैचेज की बात करें, 2019-2020-2021-22 के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। जो कंपनी यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करती है फॉर फ्रेशर स्टूडेंट की, अगर हम बात करें तो 4.1 LPA का पैकेज आपको देखने को मिलने वाला है। फटाफट जाके अप्लाई कर देना। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, SCL टेक हायरिंग फॉर द डेवलपर रोल के लिए SCL कंपनी हायरिंग कर रही है। पैन इंडिया लोकेशंस के लिए, पुणे लोकेशंस के लिए हायरिंग होने वाली है। BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचेज की बात करें, 2020-21 और 22 बैच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक्सपीरियंस फ्रेशर होना चाहिए। और अगर हम सैलरी की बात करें तो 4.5 LPA का पैकेज कंपनी आपको देने वाली है। तो यहाँ पे सिंगल पेज पे सारी अपडेट मैंने डायरेक्ट लिंक के साथ यहाँ पे अटैच करके पोस्ट कर दी है, फटाफट जाके चेकआउट कर देना। और लेटेस्ट पोस्ट में जैसे आप जाके चेकआउट करोगे तो विप्रो कंपनी की जो एक और हायरिंग है 2023 के स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स है। विप्रो हायरिंग फॉर द वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2023 यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट BCA और BSc स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट हो चुकी है। बैचेस की बात करें, 2022 और 23 बैच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके थ्रू कंपनियाँ हायरिंग भी करती है, काफ़ी अच्छा पैकेज आपको देखने को मिलता है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें, 10th पास 12th और ग्रेजुएशन में परसेंटेज क्राइटेरिया की या CGPA की बात करें, 60% या CGPA की बात करें, आउट ऑफ 10 6.0 CGPA आपका होना चाहिए कॉलेज में यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और ईयर ऑफ पासिंग की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट 2022 और 23 बैच के स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, BSc के कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी के द्वारा मेंशन की गई हैं, आप जाके पेज पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आप लिंक के थ्रू जाके भी और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। अगर आप 2022 और 23 बैच के स्टूडेंट हो, BCA और BSc बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, अगर आपका कोई कलीग्स है, कोई कॉलेज फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो उसके साथ जरूर शेयर कर देना। क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, लिंक्डइन पर एक्टिव हो, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस टाइम पे ले ऑफ कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अनाउंस कर दिया, रिसेशन चल रहा है, बहुत सारी जॉब की बहुत सारे लोगों की नीड है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी में वर्किंग थे उनको वहाँ से ले ऑफ किया जा रहा है। तो ये काफ़ी पीक टाइम चल रहा है जॉब पर्पज से। तो जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, प्लीज़ अगर आप उसके लिए फुलफिल हो रहे हो तो आप भी जाके अप्लाई कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो और नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी की तरफ से आ रही है।
और जो कंपनी यहाँ पे होने वाली सटरलैंड कंपनी हायरिंग कर रही फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रोल के लिए, हायरिंग होने वाली बेंगलुरु लोकेशंस के लिए। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ बट अभी भी लिंक एक्टिवेट है तो आप एक बार फिर से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर हम लोकेशंस की बात करें, बेंगलुरु लोकेशंस होने वाली ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, 0 to 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपके पास 1 year 2 years का मैक्सिमम एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल होने वाले हो। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना, काफी अच्छी कंपनी है, काफी हाई पैकेज आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, मिस बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, जेपी मॉर्गन चेस कंपनी की तरफ से आ रही फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जावा डेवलपर के लिए, हैदराबाद लोकेशन के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट 2021 बैच के हैं, 22 बैच के स्टूडेंट हैं, वो बीएस बीए डिग्री के इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस स्टूडेंट और सारे स्टूडेंट यहाँ पे चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी कंपनी है, बहुत सारे स्टूडेंट की ड्रीम कंपनी होती है, काफी अच्छा वर्क कल्चर है कंपनी का और ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को आपको मिलने वाला है। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना, मिस बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो काफी अच्छी कंपनी की तरफ से आ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। और लोकेशंस की बात करें तो आपकी फेवरेट लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है, नोएडा लोकेशन के लिए ये हायरिंग होने वाली है। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट 2020-21 बैच के स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पैकेज की बात करें तो कंपनी के जो एवरेज पैकेज जाता है 5 LPA का पैकेज होता है। अगर आपकी इंटरव्यू में आगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से हाई पैकेज भी मिल सकता है, तो मिस बिल्कुल मत करना। और विप्रो कंपनी की जो कंपनी हायरिंग कर रही है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए 2022-23 बैच के स्टूडेंट के लिए, सारी डिटेल आपको ऑफिशियल कंपनी की जो वेबसाइट है वहां पे देखने को मिल जाएगी। पूरा डिटेल में यहां पे शेयर किया गया है। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना और वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी ने पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है और एप्लीकेशन की क्या लास्ट डेट होने वाली है उसके बारे में मेंशन कर रखा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और किस टाइप के एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा 80 मिनट्स का, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रिटेन कम्युनिकेशन टेस्ट 20 मिनट्स के होगा। अपॉन सिलेक्शन इन द ऑनलाइन असेसमेंट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू बिजनेस डिस्कशन राउंड होगा। सारे राउंड्स को क्लियर करने के बाद उसके बाद कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर लेटर देने वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है इस प्रोग्राम के थ्रू, और आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करने का भी मौका मिलेगा। वो भी कंपनी यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली है, आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। अगर आप 2022-23 बैच के स्टूडेंट हो, बीसीओ बीएससी बैकग्राउंड से हो तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही थी मैंने आप सबको बता दिया है, और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ऑनलाइन कैरियर सर्कल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आप यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, सारी अपडेट यहाँ पे लेटेस्ट की जो होती है सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। और अगर आप चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अभी तक आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि अभी भी कंपनियों की जो लिंक है, लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में बात किया था, जैसे IBM, हिताची, जोहो, सिटी बैंक जैसे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी काफ़ी बिग हायरिंग कर रही है। अभी भी लिंक एक्टिवेट है, फटाफट जाके चेकआउट कर लेना वीडियो को, जाके वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी जॉब की काफ़ी रिक्वायरमेंट है बहुत सारे स्टूडेंट को जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस टाइम में रिसेशन चल रहा है। काफ़ी टाइम से काफ़ी कंपनियां बल्क में ले ऑफ कर रही हैं, अभी भी ले ऑफ जारी है, बहुत सारी कंपनियां अभी भी कर रही हैं, बट 3 to 4 months चलेगा, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं, फिर से काफ़ी अच्छी हायरिंग होने वाली है। तो ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल पे आप काम कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, लर्निंग कीजिए, आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।